हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब दोस्तों। इस बार महावीर जयंती, हनुमान जयंती 11 अप्रैल 2017 को है। और इस बार जो महावीर जयंती या हनुमान जयंती है, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन पर है दोस्तों। ये जो योग है, 10 साल के बाद ऐसा ग्रहों का योग बना है और 4 साल के बाद ऐसा ग्रहण मुक्त योग बना है। इसके बारे में मैं आपको और बताऊंगा इस वीडियो में, लेकिन इस बार कुछ चीजों का याद कर लीजिएगा, कुछ चीजों का ध्यान कर लीजिएगा कि आपको इस हनुमान जयंती या महावीर जयंती पर करना है। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं तो आपके लिए तो हर महावीर जयंती और जो हनुमान जयंती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन इस बार जो योग बन रहे हैं, 10 साल के बाद ऐसे योग बन रहे हैं, आपकी सारी मनोकामना पूर्ति हो जाएगी, आपका जो दुख है वो खत्म हो जाएगा। दोस्तों हनुमान जी कलयुग के देवताओं में से माने जाते हैं, तो इस बात का याद रखिएगा कि हनुमान जी साक्षात आपके लिए खड़े होंगे। अगर आप जो कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं और जो आप हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहोगे हनुमान जी के ऊपर, कि हनुमान जी की पूजा कैसे करनी है, उनकी अर्चना कैसे करनी है, उनको खुश कैसे करना है और हनुमान जी को कैसे ध्याना है, एक बात तो जरूर याद रखिएगा कि हनुमान जयंती पर आपको हनुमान चालीसा तो करना ही है, साथ में सुंदरकांड भी करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जो हनुमान जी के भक्त है उनको तो जरूरी है करना ये दो चीज, बहुत ही आसान सा चीज है, ज्यादा भारी नहीं है, ये आप कर लेंगे तो हनुमान जी की कृपा पर बरसेगी। लेकिन एक बात का याद रखिएगा कि आप अगर हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। दोस्तों हम चलते हैं जो 11 अप्रैल की ओर। दोस्तों हनुमान जयंती पर इस साल विशेष योग बन रहे हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 11 अप्रैल को पवन पुत्र के जन्म के समय करीब 10 वर्ष बाद ग्रहों का महासंयोग पूर्ण बनेगा। दोस्तों मारुति नंदन का जन्म इस बार गज केसरी योग, चित्रा नक्षत्र और अमृत योग में मनाया जाएगा। पवन पुत्र के जन्मोत्सव को मनाने के लिए पूरी दुनिया से लोग जुट चुके हैं और इस बार कोई कसर नहीं छोड़ेगा पवन पुत्र को मनाने के लिए। दोस्तों ये योग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब अगला योग 2021 में नक्षत्र जो ग्रह फ्री है वो रहेंगे, मतलब कि जो आपका ग्रहण से जो फ्री नक्षत्र है, मतलब ग्रहण नहीं होता महावीर जयंती के वार पर, तो वैसा 4 साल के बाद 2021 में आएगा। तो इस बात का याद रखिएगा कि जो आपका ग्रहों का योग बन रहा है वो 10 साल के बाद चित्रा नक्षत्र में बन रहा है, और जो ग्रहण फ्री योग है, ग्रहण फ्री योग वो आपका इस बार बन रहा है। दोस्तों ऐसा 4 साल बाद होगा जब हनुमान जयंती ग्रहण मुक्त होगी। जैसा मैंने पहले भी कहा, इस दिन राजयोग तो होगा ही, उसके साथ ही शुक्र मीन राशि में उच्च का होगा, जिसकी सूर्य के साथ युति रहेगी। द्वितीय स्थान पर मेष राशि का मंगल शुभ फलदायी रहेगा। विशेष योग होने के कारण हनुमान जयंती भक्तों के लिए विशेष फलदायी रहेगी। तो इस बार जो भी आपकी मनोकामना है हनुमान जी से मांग लीजिए, और मनोकामना भी अगर सबकी मनोकामना होती है, लेकिन एक बार ऐसा सोचिए कि मनोकामना को साइड में रख के जो आपकी अंदर की इच्छा है, जो लालच है हमारा,
उसको एक बार साइड में रख के आप हनुमान जी से सिर्फ प्रार्थना करें कि आपके सारे दुखों को वो हर ले। दोस्तों, जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं ना, वो पैसे से कुछ नहीं होता। अमीर से अमीर लोग भी खुश नहीं होते, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली वाला, एक गरीब आदमी भी एक अमीर आदमी से खुश रह सकता है। दोस्तों, हमारे पुराणों में ये नहीं लिखा कि जिसके पास सबसे ज्यादा पैसे हैं वही खुश है। दोस्तों, राजा जो होते हैं, पावर वाले होते हैं, ऐसा कहा जाता था पहले कि जो सर्विस क्लास है उससे ऊपर बिजनेस क्लास होते थे, उससे ऊपर पावर वाले लोग जो पॉलिटिशियंस होते थे पुराने समय के। लेकिन दोस्तों, सबसे ज्यादा खुश आज जो सर्विस क्लास है या नॉर्मल जो मिडिल वाले बिजनेस क्लास है, एकदम हाई नहीं, टाटा अंबानी नहीं, जो खुश है वही लोग सुखी है। तो दोस्तों, पैसों के पीछे भागना बंद कर दीजिए, हनुमान जी को याद करिए। इस बार महावीर जयंती पर इस बार बहुत ही अच्छे योग हो रहे हैं, हनुमान जी आपकी रक्षा करेंगे। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अगर आप इस बार महावीर जयंती पर, हनुमान जयंती पर आप अगर हनुमान जी को ध्याते हो, बस एक सुंदर पकांड का पाठ और एक हनुमान चालीसा कर लीजिए, आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये लिख कर ले लीजिए, क्योंकि ये 10 साल बाद ऐसा योग बन रहा है। फिर एक बात याद रखिएगा कि अगर आपके घर में किसी को, जो बोलते हैं ना मिर्गी की बीमारी है, या फिर आपके घर में किसी को बोलते हैं कि मेंटल जो स्टेटस होता है वो थोड़ा खराब है, इस बार उन्हें ले जा करके हनुमान जी के मंदिर पर धोख देना चाहिए और उनके सामने 7 बार हनुमान जी का पाठ पढ़ना चाहिए। इससे ऐसा होगा, एक अचानक से ही दोस्तों ये जो वार बन रहा है इसमें बहुत ही शक्तिशाली योग होता है इस टाइम में, ये जो पीरियड होगा। तो उस वक्त अगर आप 7 बार हनुमान चालीसा जोर जोर से उस व्यक्ति के सामने पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखेगा उसमें। हो सकता है कि वह बीमारी दूर भी हो जाए, लेकिन इम्प्रूवमेंट आपको जरूर दिखेगा। ये बात का आप याद रखिएगा, ये बात को आप हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद अगर किसी का जॉब नहीं लग रहा है या किसी को बिजनेस में फाइनेंशियल परेशानी है, तो उन्हें 108 बार हनुमान चालीसा उस दिन पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आप 108 बार अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप हनुमान चालीसा आप रिपीट मोड में डाल दीजिए। तो ऐसा होगा कि आपका दिन भर हनुमान चालीसा आपके कान में तो पड़ेगा ही, लेकिन आपका काम भी हो जाएगा। हनुमान चालीसा सुन भी सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ भी सकते हैं। और अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो पूरी फैमिली मिलकर के भी 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकती है। तो याद रखिएगा, हनुमान चालीसा अगर 108 बार कर लेते हैं तो आप सभी दुखों से मुक्त हो जाओगे, एकदम परम बन जाओगे, एकदम मतलब बोलते हैं ना टिप टॉप फर्स्ट क्लास हो जाओगे, खुश हो जाओगे, आपके लाइफ की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इस बार महावीर जयंती, हनुमान जयंती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा अच्छे योग वाला है। तो इस योग का फायदा उठाना मत भूलिए, क्योंकि 10 साल में दोस्तों ये योग एक बार आता है। तो जो मेरे चैनल में जितने भी लोग हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि इस बार ये योग को ना छोड़े। और हनुमान जी के और भी हम वीडियोस छापने वाले हैं हनुमान जयंती के ऊपर, महावीर जयंती के ऊपर, तो आप हर एक वीडियो को फॉलो करें। और ज्यादा भारी काम नहीं है, आपको थोड़े थोड़े छोटे छोटे नुस्खे और टोटके बताते रहेंगे, आपके लाइफ की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, आखिर में चलता हूं, जय श्री राम।